बेवजह मतलब जो है अना आ गई तो आपने अपनी अना पूरी खो दी। हजरत अनवर उलूम का ये तालीमी इदारा और इस बड़े इदारे में अगर उर्दू तहजीब के दो बड़े इंस्टीट्यूट खुद आ जाएं चलकर तो सोने पे सुहागा है। एक जगह जहां तालीम ली जाती है वहां तालीम देने वाले खुद आ जाएं और ऐसे आ जाएं कि जिनके लिए दुनिया तरसती है, जहां जहां कोई उर्दू की महफिल सजती है, अदब की बात होती है, वहां रोशनी की ये दो मीनार मौजूद होते हैं। और ये हमारी खुशबख्ती है कि हम ऐसे दौर में हैं जिस दौर में प्रोफेसर वसीम बरेलवी मौजूद हैं, डॉक्टर नवाज देवबंदी मौजूद हैं। ये ऐसे नाम हैं जिनकी कोई तमहीद हो ही नहीं सकती, जिनका कोई तारुफ हो ही नहीं सकता। ये ऐसे नाम हैं कि जैसे आफ्ताब को बस आप आफ्ताब कहते हैं, जैसे महताब को आप बस महताब कहते हैं। फिर भी मेरा मन है कि मैं कहूं तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। डॉक्टर नवाज देवबंदी और आपकी बेशुमार तालियां, बेशुमार आपका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहरहाल गज़ल सुनाने वाले जितने भी शोरा होते हैं आपसे दादो तहसीन चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से इतनी भी बात काफ़ी है कि इफ्तखार गज़ल, आबरू गज़ल, प्रोफेसर वसीम बरेलवी तक जाने का जो जीना है उसमें एक सीढ़ी मैं भी हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह। अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद शेर सुना करके इजाजत दूं। ऐसे इक्का दुक्का ताली से काम थोड़ी चल। हाँ। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हम रात बहरेन में मुशायरा था, मुशायरे से फौरन बाद एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से यहाँ आए, यहाँ से मुशायरे में आ गए और फिर 4:35 की फ्लाइट। ऐसे थके हुए मुसाफिर को जिंदा करना तो आपकी तालियां, आपकी आह, आपकी वाह यही कर सकती है। बात शुरू करता हूं। जी सर, सर आता हूं। अब मुझे एक बात याद आई, किबला वसीम साहब तशरीफ लाए थे, मुझे अपने चार बहुत पुराने मिसरे याद आए। पहले एक मैं सुनाता हूं कि मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, जालिम के अभी होश ठिकाने नहीं बैठे, गो वक्त ने ऐसे भी मवाके हमें बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो वक्त ने ऐसे भी मवाके हमें बख्शे, क्या कहने, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। एक शेर और याद आया मुझे अपना, शुक्रिया, कि लाख दाम बढ़ जाएं, लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का। हा 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 हा, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का। आइए एक शेर अर्ज करता हूं, हैदराबाद होने का सबूत दीजिएगा। अर्ज करता हूं, नूरानी साहब तशरीफ रखते हैं, फहीम भाई नूरानी साहब और सबिया साहिबा, सज्जाद भाई अपना बैग लिए हुए घूम रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उस बैग से वो नोट भी निकालते हैं, बड़े नोट हैं, गिनते भी हैं, लेकिन बहुत महफूज हैं इस इलाके में, ये अच्छी बात है। वरना 70-75 साल का आदमी इतने इत्मीनान से इतने सारे नोट लिए घूमे इतनी भीड़ में, तो मैं समझता हूं ये हैदराबाद नहीं हो सकता। अर्ज करता हूं,
अर्ज किया कि ज्यादा ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। ज्यादा दूसरे मिसरे पे जिंदगी का सबूत दीजिए कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। हाँ 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 वाह 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 डॉक्टर साहब वाह। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में। नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में। शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। क्या कहने, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में। शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। चार पुराने मिसरे याद आए हैं, लेकिन गजल कभी पुरानी नहीं होती। बुलंद फरमाए, इसी मुनासबत से याद आया कि नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में। लॉन्ग रखे हुए, शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। अर्ज करता हूं, असल में ऐसी आह से मजा आता है जो तक से लगती है ना। मुलाजा करें कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इन आम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। जल्दी ना कीजिएगा, चौथी लाइन आने दीजिए कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इन आम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह वाह सर वाह वाह। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। एक शेर सुनाता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत। आहा हा, क्या शेर है डॉक्टर साहब वाह। शिरकत चाहता हूं आपकी कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक शेर इसी सिलसिले का और याद आया, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। दूसरी लाइन पे जिंदा रहिएगा कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। हाय 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 वाह 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 वाह। क्या कहने मुकर्रर, वाह 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 वाह। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। एक शेर याद आ रहा है कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। हा 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 क्या बात है वाह। राज पहुंचे हमारे, जरा बारीक कत जाया करे तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है। क्या कहने, एक समंदर है
जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है, खुश होता है। आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको, आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। चार मिसरे अर्ज करता हूं कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा। अब अपने इर्द गिर्द तलाश कीजिएगा दोस्त अहबाब मंजर रिश्तेदार, के मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा। और खुशहाल हो ना मेरा, खुशहाल हो ना मेरा, अजीजों से पूछिए। मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, खुशहाल हो ना मेरा अजीजों से पूछिए। पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। खुशहाल हो ना मेरा अजीजों से पूछिए, पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा, पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। तुझसे बिछड़ के तेरी कसम खुश नहीं रहे, तुझसे बिछड़ के तेरी कसम खुश नहीं रहे। दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे, दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे। फिर चौथी लाइन पे दुआ चाहता हूं कि दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे, और दुश्मन दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां। दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे, दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां, लेकिन हमारे दोस्त भी कम खुश नहीं रहे। क्या कहने, वाह 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 वाह। दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां, बहुत लेकिन हमारे दोस्त भी कुछ कम नहीं रहे। कुछ दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां, लेकिन हमारे दोस्त भी कम खुश नहीं रहे, कम खुश नहीं रहे। तुझे याद रखने के शौक में, तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया, उसे तेरा नाम बता दिया। मैं चराग था, मैं चराग था, तू चराग था, मैं चराग था तू चराग था, मगर अपना अपना नसीब है। मैं चराग था तू चराग था, मगर अपना अपना नसीब है। मुझे आंधियों ने बुझा दिया, तुझे आंधियों ने जला दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं चराग था तू चराग था, मगर अपना अपना नसीब है। मुझे आंधियों ने जब बुझा दिया, तुझे आंधियों ने जला दिया। चंद शेर और हाजिर करता हूं। अर्थ किया कि मैं अक्स हूं, मैं अक्स हूं, इस अक्स का किरदार तो तुम हो। इसमें रदीफ आपकी तरफ से आएगी कि मैं अक्स हूं, इस अक्स का किरदार तो तुम हो, तुम हो। साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। आहा, साया तो मैं हूं पर मेरी दीवार तो तुम हो। और हम ही तो मनाते हैं, हमें कहते हो बेजार, हम ही तो मनाते हैं, हमें कहते हो बेजार। मुंह फेरे हुए बैठे हो बेजार तो तुम हो, मुंह फेरे हुए बैठे हो बेजार तो तुम हो। और दोस्तों, दो लाइनें मैंने जिंदगी में शेर की कही हैं, लेकिन इसमें आप अपने दोस्तों को तलाश कीजिएगा। बेजार तो तुम हो, हर बात पे कहते हो, हर बात पे कहते हो कि मुमकिन ही नहीं है। हर बात बेजार तो तुम हो, हर बात पे, हर बात पे कहते हो कि मुमकिन ही नहीं है।
लगता है मेरे रास्ते की दीवार तो तुम हो। वाह वाह, हर बात सर कहते हो कि मुमकिन ही नहीं है। लगता है मेरे रास्ते की दीवार तो तुम हो। माना के गुनाहगारे मोहब्बत हूँ मैं, लेकिन माना के गुनाहगारे मोहब्बत हूँ मैं, लेकिन तुम गौर करो असली गुनाहगार तो तुम हो। माना के गुनाहगारे मोहब्बत हूँ मैं, लेकिन तुम गौर करो असली गुनाहगार तो तुम हो। बेमोल ही बिक जाएंगे, हो जाएंगे अनमोल। बेमोल ही बिक जाएंगे, हो जाएंगे अनमोल। सुनते हैं कि इस बार खरीदार तो तुम हो। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए आलोक श्रीवास्तव साहब, मीडिया के एक जिम्मेदार फर्द हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। शेर नज़्र करता हूँ, मुलाहिज़ा कर के, माना के गुनाहगार मोहब्बत हूँ मैं, लेकिन तुम गौर करो असली गुनाहगार तो तुम हो। कि दुनिया से छुपाऊं भी तो किस तरह छुपाऊं, दुनिया से छुपाऊं भी तो किस तरह छुपाऊं। मैं एक खबर हूं मगर अखबार तो तुम हो। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। मैं एक खबर हूं मगर अखबार तो तुम हो। एक गजल का मतलब और दो शेर सुनाना चाहता हूं, और मेरा ख्याल से हैदराबाद से ज्यादा बेहतरीन सरजमीन और माहौल इस गजल के लिए कहीं नहीं हो सकता। मरता मुलाहिज़ा फरमाए, जैसे ही मतलब एक इजाजत दी जाती है वैसे दीजिए, ऐसे नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। वो मेरा एक शेर है ना कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, आप पूछे तो बताने में मजा आता है। शेर अर्ज करता हूं कि ये हादसा भी हुआ है तुझे भुलाते हुए, ये हादसा भी हुआ है तुझे भुलाते हुए। मैं रो पड़ा हूं कई बार मुस्कुराते। अब मेरे दोस्तों तैयार रहिएगा, मैं ये दो तीन शेर किबला प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के कदमों में रखता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। कि ये हादसा भी हुआ है तुझे भुलाते हुए, मैं रो पड़ा हूं कई बार मुस्कुराते हुए। उर्दू का बहुत छोटा सा तालिब इल्म एक लफ्ज में जरा सी तब्दीली के बाद पहले मिसरे की दूसरे मिसरे में तब्दीली और शेर बनाने की कोशिश करता हूं, दो कैरेक्टर। कि ये हादसा भी हुआ है तुझे भुलाते हुए, मैं रो पड़ा हूं कई बार मुस्कुराते हुए। और हमारे हाथ जले हैं दिया जलाने में, हमारे हाथ जले। तैयार रहिएगा कि यह हादसा भी हुआ है तुझे बुलाते हुए, हमारे हाथ जले हैं दिया जलाने में, तुम्हारे हाथ जले हैं दिया बुझाते हुए। हाय 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 हाय, क्या कहने सर, वाह 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 वाह। हमारे हाथ जले हैं दिया जलाने में, तुम्हारे हाथ जले हैं दिया बुझाते हुए। और वो रो रहा था मेरी दास्तान सुनते हुए, वो रो रहा था मेरी दास्तान सुनते हुए। मैं हंस रहा था उसे दास्तान सुनाते हुए, मैं हंस रहा था उसे दास्तान सुनाते हुए, मैं हंस रहा था उसे दास्तान सुनाते हुए। रुलाया उसने ये गम है मगर खुशी भी है, रुलाया उसने ये गम है मगर खुशी भी है। वो खुद भी रोया था जालिम मुझे रुलाते हुए, वाह 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 वाह। वो खुद भी रोया था जालिम मुझे रुलाते हुए। और हैदराबाद के जिम्मेदार सामीन के सुपुर्द करता हूँ दो मिसरे, कि वो खुद भी रोया था जालिम मुझे रुलाते हुए। एक शेर और दरमियान में याद आया कि गरीब लोग खुदा पर यकीन रखते हैं, गरीब लोग खुदा पर यकीन रखते हैं। महल के ख्वाब थे मिट्टी का घर बनाते हुए। और जमीन ऐसे ही सजदे पे नाज करती है, वाह। जमीन ऐसे ही सजदे पे नाज करती है, जो एक सजदा किया जाए सर कटाते हुए। आहा।
जमीन ऐसे ही सजदे पे नाज करती है, जो एक सजदा किया जाए। सर कटाते हुए वक्त भी बहुत हो चुका है और वसीम साहब को भी आपको सुनना है, मैं दो तीन शेर सुना के उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए, जिसका हुक्म है, अर्ज करता हूँ कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। आहा आहा आहा, क्या कह रहे डॉक्टर साहब। वाह 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 वाह। अरे यार सुनो ना, अभी मैं डाइस पे जाऊंगा, पीछे से ले लेना। ठीक है, एक बार मैं हाजिर करता हूँ। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। मुझे मेरे लिए इफ्तखार और मेरी आने वाली नस्लों के लिए भी इफ्तखार है। मेरा एक शेर है, जब भी मैं स्टेज पर आता हूँ, क़िबला वसीम साहब उसके लिए हुक्म फरमाते हैं, तो मैंने अपनी याददाश्त में भी ये बात लिखे रखी है। मेरे पास गज़ल का सरमाया हो या ना हो, लेकिन इतना सरमाया ज़रूर है कि मेरे एक शेर के लिए क़िबला वसीम साहब मुझे हमेशा हुक्म फरमाते हैं। मैं इसी को इफ्तखार समझता हूँ। अर्ज करता हूँ, वो मैं हुक्म की तामील करूँगा कि भटकने वाले तेरा कोई घर नहीं है क्या। भटकने वाले तेरा कोई घर नहीं है क्या। मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है क्या। अब तैयार रहिएगा कि मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है क्या। और तुम्हारे 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 शहर में पत्थर के दाम कम क्यों हुए। मेरी तरह से तुझे भी खबर नहीं है क्या। तुम्हारे तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों है। तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या। तुम्हारे शहर में पत्थर के दाम कम क्यों हैं। तुम्हारे शहर में शीशे का घर नहीं है क्या। और जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। अफसोस अपनी जान बचाने में मरते। अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। क़िबला वसीम साहब का हुक्म की तामील करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, एक मतलब एक शेर सुन लीजिए, फिर मैं हुक्म की तामील करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं। क्या बात, वाह वाह। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। चलना नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। कम हिम्मती खतरा है। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में। तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते। अब देखिए, मुल्क की तारीख की पेशानी पर दो मिसरे चश्मा करता हूं, बगैर किसी तमहीद के। शेर मुलाजा फरमाए, आप सबके जज्बात की तामीर करता हूं तर्जुमानी। के मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं।
माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और दोस्तों ये दो मिसरे भी इस तरह से अर्ज करता हूँ कि पहले मिसरे में जो लफ्ज हैं वही दूसरे मिसरे में हैं, लफ्जों की तरतीब बदलता हूँ और आपसे दुआ चाहूँगा कि माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या। बन जाए अगर बात, तैयार रहिएगा कि एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। मैं वसीम साहब के हुक्म की तामील करता हूं कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। मैं दूसरी जो हुक्म है उसकी तामील करता हूँ। ये सब तरन्नुम में ही तो हो रहा है और हो क्या रहा है। मैं अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाए, मैं चार मिसरे अर्ज करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, वाह वाह, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। मैं पहले आपको, मैं ये मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ बैठी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल मुल्क में इसका बड़ा फुकदान है और इस अहतमाम के साथ तो शायद मुल्क के किसी भी कोने में इस तरह की खवातीन आती ही नहीं। और मेरे अजीजों याद रखो कि जब माएँ किसी जबान की तहजीब से कनारा कशी इख्तियार कर लेती है तो औलाद कभी महज़ब नहीं। मैं अपनी बेटियों को, अपनी माओं को एक अपना एक शेर नजर करता हूँ। इत्तफाक से चूंकि मेरी जिंदगी का मिशन तालीम है और तालीम भी बेटियों की तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह 25 स्कूल और कॉलेजेस हैं बेटियों के मेरे। मेरा मानना यह है कि समाज में अगर कोई बड़ा इनकलाब आएगा तो इन्हीं बेटियों से आएगा। मेरा एक शेर मुलाहिदा फरमाएं, मैं अपनी सब बहनों को और बेटियों को नजर करता हूं, अर्ज करता हूं कि एक आंखों के पास है एक आंखों से दूर। एक आंख दूसरे मिसरे पे तैयार रहिएगा कि एक आंखों के पास है एक आंखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी को है नूर। वाह 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 वाह, आंखों के पास है। वाह 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 डॉक्टर साहब, एक आंखों से दूर। चलिए वसीम साहब याद दिला रहे हैं लेकिन मुझे मतलब याद नहीं आ रहा, तो मैं अर्ज करता हूँ उसका कि देखिए असल में क्या होता है दोस्तों, कभी आपने अगर पहाड़ का बोझ उठाया हो तो आपको अंदाजा हो सकता है, दुनिया का इतना बड़ा कलमकार, फनकार, अदीब, नक्काश, प्रोफेसर अगर कोई हुक्म कर रहा है तो एक छोटे से तालिब इल्म के लिए कितना वजन का काम है, ये आप मामूली ना समझे। मेरा मिसरा भूल जाना बहुत छोटी सी बात है। तो मैं शेर अर्ज करता हूँ, मतलब भूल रहा हूँ तो भूल जाऊं के अच्छा, इत्तफाक ये है कि जब भी वसीम साहब कभी कभी अब ये हुक्म फरमाते हैं तो वसीम साहब को भी शेर ही शेर याद रहता है, मतलब याद नहीं आता, वो मतलब ऐसा होगा नहीं कि जो याद किया जा सके। चलिए मैं शेर सुनाता हूँ कि फैला रखा है और रखा है इस तरह से, कुछ लतीफ़ है उसकी। तो मैंने शेर उसमें कहा कि जिससे अपने अंदर के भी ऐप दिखाई देते हैं,
जिससे अपने अंदर के भी ऐप दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा जिससे अपने अंदर के भी ऐप दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, चश्मा बनवा रखा है। अब वसीम साहब के हुक्म की तामील करता हूँ, शेर मुलाजा फरमाए गुनहगार एकासी सियाहकार, उसका ये दो मिसरे कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा वाह 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 वाह, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता और कर भी क्या सकता है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी है, मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो, हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है, क्या कहने, मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो, हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। चार मिसरे ये अर्ज कर रहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे इशारा मुलाहिजा फरमाइएगा, होता क्या है कि हर थोड़े दिन के बाद, दो चार महीने के बाद किसी शहर में, किसी स्टेट में, किसी मुल्क में ये चारों मिसरे जिंदा भी हो जाते हैं और सच्चे और अच्छे भी साबित होते हैं। देखिए कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर रात का है, आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर रात का है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया, वाह, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं अगला नंबर रात का, वाह 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 वाह। एक मतला एक शेर इस स्टेज से इजाजत चाहता हूं, नवाब महबूब आलम साहब, सज्जाद साहब, नूरानी साहब, तबस्सुम साहिबा, इनके इस मुशायरे में और हैदराबाद के इस मुशायरे में। उर्दू मोहब्बत का नाम है और मुल्क से मोहब्बत करना निस्फ ईमान है मोमिन का, यह सच्चाई है। शेर मुलाजा का अर्ज करता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब आखिरी चार मिसरों पे मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा, इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान है तो ठीक है, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, वाह 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 वाह, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और इस पर रुखसत चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, कि हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने।